आपको अहम खबर से आगाह करें। मुल्तान में कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के करीब से साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक हुसैन जलानी के मुगवी भतीजे और हिसास इदारे के डिप्टी डायरेक्टर उमर मुबीन जलानी की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के करीब से एक तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई जिसकी शनाख्त उमर मुबीन जलानी के नाम से हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक उमर मुबीन जलानी को सर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया और हाथ पांव बांधकर लाश फेंक दी गई। लाश पर कल अदम तंजीम दाइश के नाम की पट्टी भी बंधी हुई है। नाज़रीन आपको बताते चलें, उमर मुबीन जलानी साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जलानी के भतीजे और हसास इदारे के अहलकार थे। उन्हें 16 जून 2014 को गार्डन टाउन के इलाके से 6 नामालूम अफराद ने अगवा किया था। उनकी लाश मुल्तान में कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के करीब से मिली।